दूध के साथ भूलकर भी न खाएं, ये चीजें बन जाएंगी जहर। ये तो सभी जानते ही हैं कि दूध में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन दूध के साथ जो चीजें हम खा रहे हैं इन सब का हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है, इससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूध के साथ आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ दही कभी नहीं खानी चाहिए। इन्हें साथ खाने से एसिडिटी, गैस और उल्टी की समस्या हो सकती है। दही खाने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। दूध पीने के पहले, बाद में और साथ में कभी फल नहीं खाने चाहिए। अगर आप दूध के साथ अनास, संतरे जैसे खट्टे फल खाते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इससे खाना सही से नहीं पचता और उल्टी की संभावना रहती है। इसके अलावा दूध और केला भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध और केला दोनों ही कफ बनाता है। दोनों को साथ खाने से कफ तो बढ़ता ही और पाचन पर भी असर पड़ता है। कई लोग नाश्ते में दूध के साथ ब्रेड बटर लेते हैं, लेकिन दूध अपने आप में पूरा आहार है। इन सब चीजों का साथ में सेवन करने से पेट में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की अधिक मात्रा एक साथ नहीं लेनी चाहिए, इसलिए दूध को अकेले लेना ही बेहतर है। दूध और मछली को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे गैस, एलर्जी और त्वचा संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। दूध को पूरा आहार कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, लैक्टोज, शुगर और मिनरल सभी तत्व पाए जाते हैं। अगर आप दूध के साथ तला भुना या नमकीन खाते हैं तो इनका पाचन आसानी से नहीं हो पाता। लगातार इसे खाने से त्वचा के रोग हो सकते हैं। दूध और तिल को कभी साथ नहीं खाना चाहिए।